रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलो सो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, गिव मी क्लियरेंस वंस। यस सर। यस सर। ओके सो बेसिकली हम देख रहे हैं मंडे से हमने फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो एकदम कंसेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, इसके अबाउट डिस्कशन शुरू किया था। तो सब लोगों को अभी जिन्होंने बस लेक्चर किया है, पढ़ा भी नहीं है, उनको भी इतनी बम्बार्डमेंट हो चुकी है कि लॉज ऑफ मोशन मतलब NLM मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मतलब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब क्या होता है, अगर पॉसिबल है तो मेरे साथ में बोल सकते हो, इनर्शिया मतलब क्या है, एक टेंडेंसी है जिसका काम है अपोज। वेरी गुड। किसको अपोज करना, चेंज इन स्टेट को। वो स्टेट रेस्ट की हो सकती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन की हो सकती है, यानी कि वहां से हमें आइडिया मिलती है अबाउट न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल इट इज अप्लाइड विद एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। उसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी। एंड इससे रिलेटेड जो है हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे थे जिससे हमें न्यूटन की सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए आइडिया मिल रहा था, दैट वॉज लीनियर मोमेंटम। क्या था लीनियर मोमेंटम मतलब, बोलो, याद है? वॉट वॉज लीनियर मोमेंटम? कंटेंट ऑफ द मोशन इन द गिवन बॉडी, और उसको अपन डिनोट करते थे बाय पी से, और उसका फॉर्मूला था पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन जब भी बॉडी वॉल के साथ कोलाइड होती थी तो उस केस में हम चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट करते थे, और वहां पे एकदम बेसिक कंडीशन है जो हम पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं कि अगर बॉडी वॉल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली एंड उसी पाथ से अगर वापस जा रही है, आते टाइम जाते टाइम अगर उसकी जो स्पीड है वो अगर सेम है, मास भी अगर वहां पे सेम है, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, बोलो कितना होता है, 2 into m into u। लेकिन अगर स्पीड सेम नहीं होगी, स्पीड अगर डिफरेंट है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मतलब इंसिडेंट हो रही है विद स्पीड u एंड मास इनटू ब्रैकेट स्पीड v, क्या करना पड़ेगा, मास इनटू ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। वेरी गुड। मतलब हमें यहाँ पे डेल्टा पी कैलकुलेट करने के लिए एम वी प्लस एम यू करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो माइनस माइनस आता है, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर प्लस साइन ओनली। तो यहाँ पे एम इन ब्रैकेट लेना पड़ेगा वी प्लस यू। ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर वहां पे स्पीड चेंज होती है, अगर बॉडी इंसिडेंट होती है तब। एंड उस केस में अगर बॉडी इंसिडेंट होती है ऑन ए वॉल, लेकिन जो नॉर्मली नहीं है और इस तरह से पर्टिकुलर कुछ एंगल बना के, थीटा इतना एंगल बना के विद स्पीड यू इंसिडेंट हो रही है एंड फिर बॉडी जो है रिफ्लेक्ट होके जा रही है विद सेम स्पीड एंड उतना ही एंगल बना के, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना, 2mu cos थीटा। वेरी गुड। क्योंकि साइन साइन के कंपोनेंट एक दूसरे को करते हैं कैंसल। तो ये मोमेंटम को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है इसके ऊपर से न्यूटन का सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस किया था। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, याद है? F is equals to m। पहले तो न्यूटन ने बोला था कि F प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, उसको अपन डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे हम अगर कांस्टेंट लेके आएंगे तो ये बनेगा F equals to k into dp by dt, लेकिन ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन बेसिक फॉर्मूला होता है F equals to dp by dt। तो इसका वेरियस फॉर्म क्वेश्चन में किस अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं, m इन ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t, या फिर सिंपली जो मैक्सिमम टाइम्स हमें यूज करना है दैट इज F equals to m into a, मास into acceleration। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ देखा है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हमने देखे भी हैं एंड आगे टॉपिक में वही चलने वाला है, ठीक है? जितने दिन टॉपिक हम पढ़ेंगे उतने दिन बस ये सेकंड लॉ जो है उसके एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं। आगे जाएंगे तो वहां पे हमने न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा था। क्या था न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन कंपलसरी। किस टर्म में मेजर करेंगे, फोर्स की टर्म में, बाकी कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ की मीनिंग वहां पे अप्लाई नहीं करनी है। एंड इस सबको अप्लाई करके हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ रहे थे जिससे रिलेटेड हमने 3 लेक्चर में डिस्कशन किया है, दैट वॉज थ्रस्ट। थ्रस्ट थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट मतलब व्हेन मास इज एडेड। पहली बात तो थ्रस्ट होता है फोर्स, बस ये फोर्स जो है
डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट वे से एक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको कैटेगराइज करने वाले। आगे भी हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग देखना है, फ्रिक्शनल फोर्स देखना है। पहले अपन सेंट्रीपिटल फोर्स देख चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख चुके हैं, एंड यहाँ पे थ्रस्ट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। मतलब ये सारी क्वांटिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी, लेकिन ये डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट वे से एक्ट होती है, इसलिए अपन इसको डिफरेंट वे से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो थ्रस्ट की केस में होता क्या है, मास एक तो बॉडी के ऊपर ऐड होता है या फिर बॉडी से रिजेक्ट होता है। तो रिजेक्टेड के एग्जांपल हमने देख लिए, कहां पे होता है रिजेक्टेड का एप्लीकेशन, रॉकेट। वेरी गुड, रॉकेट की केस में। तो ये थ्रस्ट के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है वाटर जेट, नहीं रॉकेट की केस में फॉर्मूला मिलता है वी इंटू डीएम बाई रिलेटिव वेलोसिटी। Masses are rejected or separated from the system. What is dm by dt? Rate of change of mass with respect to time. Change होगा मतलब add होगा या फिर eject होगा. Very good. ठीक है. तो same formula है. Rocket की case में अगर apply करना है, तो हम वहाँ पे कोई भी change नहीं करेंगे. Rocket की case में भी ये thrust is given by v into dm by dt. ये same रहेगा, as it is रहेगा. उसके बाद में हम अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो दो टाइप के एक्सेलरेशन अपन फाइंड करते हैं। तो फ्री स्पेस एंड ग्रेविटी, ये कहां पे होगा, फ्री स्पेस, एंड अगर ग्रेविटी में है तो माइनस जी। सिर्फ गिवन एक्सेलरेशन से जी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वहां पे ग्रेविटी है इस तरह की कंडीशन आपको दी है तो। एंड किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रॉकेट की स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो v नॉट प्लस vr ln m नॉट बाय m। एक्सलेंट, वेरी गुड, एम नॉट बाय एम। तो इस तरह से हम जो वेलोसिटी है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें जो है आपको मासेस हमेशा से परसेंटेज के फॉर्म में दिए जाते हैं कि इतना परसेंट खत्म हो गया। तो हर बार आपको बेसिक बात है, आपने पहले से भी यूज किए मालूम भी है, 20% अगर बोला है तो इसका मतलब क्या होता है, 20 upon 100। ठीक है, तो परसेंटेज अगर दिए जाएंगे तो आप 100 से डिवाइड करके बस उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि m जो है 90% ऑफ m नॉट है, इसका मतलब क्या होगा, 90 upon 100 ऑफ m नॉट होगा। एंड मुझे अगर m माइनस m नॉट करना है तो कैसे करेंगे, स्वप्निल सुना भी देख, 10 upon 100 क्या होगा, m मतलब कौन है, 90 upon 100 टाइम्स ऑफ m नॉट माइनस ऑफ m नॉट। ठीक है, तो 0.9 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ये आएगा माइनस, मॉड में लेंगे तो ये कितना आएगा, m नॉट बाय 10। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज में दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर से कितना मास बचा है उसका डिफरेंस निकालना है। तो ये सारे कैलकुलेशन के लिए हम ये सिंपल जो बेसिक मैथ से आपका वो स्टेप यूज करते हैं। ठीक है, किसी ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब रॉकेट की केस में इतनी बातों के ऊपर हमें फोकस करना है, इससे ज्यादा रॉकेट में घुसना नहीं है। आगे भी रॉकेट के एप्लीकेशन आएंगे जब अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, बट रिलेटेड टू थ्रस्ट हमें बस इतना ही याद रखना है कि थ्रस्ट इज गिवन बाय वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी, वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी, वी रिलेटिव इनटू डीएम बाय डीटी। अगर वो रॉकेट अर्थ के सरफेस के सराउंडिंग में ग्रेविटी में मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा v बाय m इनटू dm बाय dt माइनस ऑफ g। अगर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चला गया तो g का कोई कंसर्न नहीं होगा, सो इट विल बिकम v बाय m इनटू dm बाय dt। क्लियर, एंड वेलोसिटी के बारे में अगर कैलकुलेशन करना है, डिस्कशन करना है, तो v इज गिवन बाय v नॉट प्लस vr नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट बाय m। खत्म, रॉकेट का पार्ट रिलेटेड टू थ्रस्ट यही पे खत्म होता है। सेम एप्लीकेशन अपन फिर वाटर जेट के लिए देख चुके हैं, क्या था वाटर जेट के लिए एग्जांपल, जो थ्रस्ट है इट इज गिवन बाय रो ए बी स्क्वायर, रो इनटू ए बी स्क्वायर टू वी स्क्वायर, व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर वाटर दिए तो प्रिंट करके नहीं देंगे, वाटर के केस में 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेंगे। ए मतलब एरिया, अभी एरिया जो है अगर बोला है कि पाइप में से फ्लो हो रहा है तो पाइप के लिए हमें मालूम है कि सर्कुलर एरिया होता है, मतलब अगर सर्कुलर पाइप आपको दिया है तो उसके लिए एरिया अपन लेंगे पाई आर का स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिकली हर बार यही शेप होगी, तो इससे रिलेटेड बाकी एप्लीकेशन हमें डिस्कस नहीं करने हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको कोई अलग शेप दी है एंड उसका एरिया अगर अलग से प्रिंट करके दिया जा रहा है तो आप उसको डायरेक्टली पुट करेंगे। व्हाट इज वी हियर, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी, क्योंकि पाइप तो स्टेशनरी है तो जिस वेलोसिटी से पानी निकलेगा वो बन जाएगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको बोला जा रहा है कि वाटर जेट वॉल के ऊपर जाके
इंसिडेंट हो रहा है एंड रिफ्लेक्ट होके वापस हो रहा है, वापस आ रहा है, तो इस केस में थ्रस्ट कितना था? टू रो ए वी स्क्वायर, सिर्फ डबल हो जाएगा, टू रो ए वी का स्क्वायर। लेकिन आपको अगर बोला जा रहा है कि वाटर जेट भी ट्रेवल कर रहा है एंड उस वाटर जेट के डायरेक्शन में वॉल भी ट्रेवल कर रही है, इसकी स्पीड u है, इसकी स्पीड v है, इन दैट केस थ्रस्ट कितना होगा? 2 रो ए वी प्लस यू स्क्वायर, वी प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाटर जेट के सारे एग्जांपल्स हमने देखने के बाद फिर रैम्बो की मशीन गन लेके आ गए थे। और मशीन गन की केस में एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है, गन की केस में वहां पे बस हमें एन के ऊपर फोकस करना था। व्हाट वाज एन इन दैट केस? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय गन पर यूनिट टाइम। तो वहां पे एन अगर मालूम हो गया तो थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय द बुलेट्स ऑन गन कितना था? n into m into mnv n into m into v, mass of each bullet and velocity, v is the velocity with which bullets are fired from the gun. Clear? Yes sir. फिर yes, यहाँ पे भी हमने देखा था कि बुलेट अगर वॉल में जाके स्टिक हो रही तो क्या, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही तो क्या, उसका एप्लीकेशन सेम मोमेंटम की तरह अप्लाई करके। लास्ट में हमने कल चेन के रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था, और चेन के रिलेटेड डिस्कशन मतलब क्या था कि अगर वो चेन गिरी तो चेन फ्लोर पे मास ऐड हो जाए। क्या होता है कि बेसिकली जो है मास, एक मिनट श्रवण क्या बोल रहा है, यस एक मिनट यहाँ पे जब दोनों मोशन में है तो ये टू नहीं रहेगा, सिर्फ उनका स्क्वायर रहेगा। करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो टू कब, जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तब, इतना करेक्शन कर लो। ओके, तो बेसिकली बात कर रहे थे चेन की। तो चेन जब नीचे ग्राउंड पे गिरता है तो उस केस में क्या होगा, वेट तो फोर्स एग्जर्ट करने वाला है, उसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है, वो mg रहेगा। लेकिन उसके साथ में जो मास ऐड हो रहा है ना, मास ऐड होता है, उसका एग्जांपल ये चेन ग्राउंड पे गिर रही है वो है, तो उस केस में थ्रस्ट एग्जर्ट होता है। एंड चेन की केस में ये थ्रस्ट कितना मिला था हमें? टू, हाँ टू, आगे लैम्बडा इनटू वाई, टू लैम्बडा जी इनटू वाई, जी इनटू वाई। व्हाट वाज लैम्बडा हियर? एम बाय एल, mass per unit length, mass per unit length, height from which chain is falling on flower. Excellent, very good. और weight की वजह से जो force mg exert होता है वो कितना था? g lambda y, सिर्फ lambda y g या फिर g lambda y, तो जो total या फिर net force होगा वो कितना? 3 lambda y g, 3 lambda y g, 2 plus 1 यानी 3 lambda y into g। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब तक हमने सारे एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज जो है कोई नया पॉइंट हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे, जो डिस्कशन अपन कर चुके हैं पहले उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं जो हेल्प करेंगे आज की एसबीटी एंड कल की यूनिट टेस्ट को जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था कि यू कैन नाउ सॉल्व कंसेप्ट एप्लीकेशन के सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चन, तो जितना डेटा उसके सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड था वो पूरा अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रॉम पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन के लिए हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या हो रहा है स्क्रीन पे बोलो? फील्डर कैच कर रहा है सर बॉल को, कैच कर रहा है। ठीक है, जब वो कैच कर रहा है ना तो उसकी मोशन को ऑब्जर्व करो, हरभजन को छोड़ दो, कैसे कैच कर रहा है देखो, पकड़ने के बाद में वो अपना हाथ है उसको पीछे लेके जा रहा है बराबर। yes, yes. या फिर आप नॉर्मली भी देखा होगा कोई अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन कैच कर रहा है तो कैच पकड़ने के बाद ऐसे जो हाथ है वो अपन नीचे लेके आते है ना। yes, sir. तो ऐसा क्यों करना पड़ता है, ऐसे क्यों होता sir, है वो बॉल का फोर्स हाथ पे लगता है इसलिए। बॉल का फोर्स तो ऐसे पकड़ेंगे तो भी लगेगा, ऐसे नीचे लेके आएंगे तो भी लगेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा लगता सर, ऐसे ऐसे पकड़ के रखे तो ज्यादा लगता एंड ऐसे लेके आ गए तो कम लगता, क्यों? लगता तो लगता भी वो है ना, वो तो मालूम है मोशन परफॉर्म होती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे सर? उसका टाइम, सर उसका टाइम बढ़ाते हैं हम, इसलिए उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो टाइम बढ़ाने से स्पीड का, स्पीड को छोड़ दो फोर्स के बारे में बोलो, टाइम बढ़ाने से ये फोर्स बढ़ गया ऐसे बोला आपने, ऐसा क्यों हो गया सर? इनर्शिया की वजह, इनर्शिया, वेरी गुड। या फिर हमें मालूम है कि F is given by dP by dt होता है बराबर,
यस तो डीपी मतलब जब कैच पकड़ने वाले तो वो मोशन में था, उसको पकड़ के जब तक अपन खामोश नहीं करते, रेस्ट में नहीं लेके आते, मतलब उस प्रोसेस में मोमेंटम हो रहा है चेंज, तो उस मोमेंटम को चेंज करने के लिए जो टाइम इंटरवल है, अगर ये टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे तो फोर्स के साथ क्या होगा? फोर्स कम होगा सर, फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है उसको इंक्रीज करते हैं, तो जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा उतना वहां पे फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो कम रहेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी कैच पकड़ते टाइम इसकी केयर लेंगे आप, तो सेम कंसेप्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि आपको बोला है कि एक प्लेयर है जो कैच ले रहा है और कैच लेने के लिए वो 0.2 सेकंड इतना टाइम लगा रहा है, कैच लेने के लिए 0.2 सेकंड इतना टाइम लगा रहा है, जब उसके हाथ में एक बॉल आके गिर रहा था जिसका मास था 200 ग्राम एंड आते टाइम उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, तो उस पर्टिकुलर केस में उस प्लेयर के हाथ में कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा बॉल ने, ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी इस टाइप के बहुत एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, चिल्लर एकदम। सर टाइम कितने सेकंड है? 0.2 सेकंड है टाइम। एक मिनट सर, क्वेश्चन रिपीट करो। आपको बोला गया है कि एक प्लेयर है जो कैच कर रहा है बॉल को और उसको टाइम लग रहा है 0.2 सेकंड और बॉल का मास है 200 ग्राम एंड इनिशियल जो वेलोसिटी से बॉल मूव कर रहा है वो है 20 मीटर पर सेकंड, देन कितना फोर्स उसके हाथ के ऊपर एग्जर्ट होगा? कर सकते हैं? वेरी गुड, श्रवण का आंसर भी आ गया, बाकी लोग चलो अपन तब तक सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्या होगा कि जब बॉल उसके हाथ के ऊपर आके गिरने वाला है तब की केस में इनिशियल मोमेंटम ये बनेगा एम इंटू यू, अब मास 200 ग्राम है मतलब केजी में 0.2 बनेगा, इनटू स्पीड कितनी है 20, तो ये 20 इनटू 0.2 मतलब ये कितना हो गया 4 हो गया। अब मुझे बोलो जब बॉल आके रुक गया तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 0 0। वेरी गुड, यानी यहाँ पे डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम आ गया 4 kg/s, हमें निकालना है फोर्स, तो ये बनेगा F equals to डेल्टा P by डेल्टा T, यानी 4/0.2, इसका मतलब ये बनेगा 40/2, तो कितना आएगा 20 न्यूटन। एक्सलेंट, सबके आंसर्स करेक्ट है, ठीक है, तो करेक्ट है, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस आपको उस क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरा थोड़ा अगाउ फील्डर है और उसने क्या किया, सेम कैच ली लेकिन उसने सिर्फ 0.1 सेकंड में बॉल को रोक दिया, तो अभी इसको कितना फोर्स बॉल एक्सर्ट करेगा इसके हाथ के ऊपर, कर सकते कैलकुलेट? सेम क्वेश्चन सर, सब कुछ सेम है। यस, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ टाइम डिफरेंट हो रहा है। एक्सेलेंट श्रवण, वेरी गुड। 40 40, मतलब देखो झट से फोर्स डबल हो गया। अब कैसे, सिमिलर कैलकुलेशन करने थे तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मतलब बॉल वही है उतनी स्पीड से आ रहा है, थोड़ा सा आगाऊपना करेंगे, फिजिक्स अप्लाई नहीं करेंगे तो डबल फोर्स वहां पे एक्सर्ट होगा और हार्ट डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर? अब थोड़े से अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला है कि एक बॉडी है और इस बॉडी का मास आपको दिया है 5 kg और बोला गया है कि ये बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री इतना एंगल बना रहा है और एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम उसका एक्सेलरेशन है 8 m/s². समझ में आ रहा है डायग्राम में क्या दिख रहा है? एक ब्लॉक है जिसको अपन मूव कर रहे हैं और मूव करते टाइम उसका मास दिया है 5 kg/n। नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बेटा। हाँ, एक्सेलरेशन है 8 m/s², लेकिन उस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होने वाली है और उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमने अप्लाई किए 2 फोर्सेस, उसमें से एक फोर्स आपको दिया है 20 न्यूटन जो इधर एक्ट हो रहा है, तो आपको बोला है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स, मतलब दो फोर्स एक्ट होने के बाद बॉडी जो है वो मोशन परफॉर्म करने वाली है एंड उस टाइप के मोशन को आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन ऑलरेडी वहां पे है,
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो गिवन डायरेक्शन में है, एक फोर्स 20 न्यूटन है तो दूसरा फोर्स कितना होगा? ठीक है श्रवण का आंसर आ गया यहाँ पे, चलो बोलो और। सर दूसरा भी 20 है ना? दूसरा भी 20 है, मतलब आंसर बोल रही है या पूछ रहे हो बेटा? सर आंसर। आंसर वेरी गुड। ठीक है तो श्रवण ने 4 बोला, कीर्ति ने 20 बोला, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो जो कंडीशन बोली है उसको अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट। अब यहाँ पे कोई तो फोर्स है जो एक्ट हो रहा है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, तो मैं उसको एफ ही रखता हूं। और यहाँ पे एक फोर्स है जो 20 न्यूटन हमें क्वेश्चन में दिया है। सबको क्लियर हो गया मैंने डायग्राम कहाँ से लेके आया? मैं ऊपर जो दिया है यहाँ पे उसी को बस फोर्सेस के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्लियर ही है सर? वो 8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन बताया ना आपने? हाँ ये एक्सेलरेशन है एंड एक्सेलरेशन उधर है, मतलब बॉडी उसी डायरेक्शन में जाने वाली है। यस सर। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? सिर्फ एमए कर दूंगा। ए तो दिया है 8, ए दिया है 5, तो कितना आएगा ये 8 into 5 मतलब 40। तो कंडीशन क्या होगी? देखो दो फोर्सेस है, ये फर्स्ट वन ये सेकंड वन, एंड दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है 90। तो इनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल्स टू रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस एफ इंटू 20 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा होता, लेकिन थीटा 90 है, कॉस 90 जीरो बनेगा, तो आगे की टर्म मैं नहीं लिखूंगा। क्लियर है यहां तक? हाँ सर। अब आर की वैल्यू पुट करो, उसको स्क्वायर करो दोनों साइड में, 4 का स्क्वायर 1600, एफ स्क्वायर एज इट इज 20 का स्क्वायर 400, यानी एफ स्क्वायर कितना आ गया 1200। तो अगर मैं इसका रूट लूंगा दोनों साइड में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ? गॉट इट? कीर्ति श्रवण तुम्हारे आंसर आ गए थे बेटा, लेकिन डिफरेंट है। सर हम इसका कंपोनेंट करके एक्सीलरेशन का, तो फिर वो 4 न्यूटन आता है और फिर मास से मल्टीप्लाई कर सकते थे ना? कंपोनेंट लेके नहीं ना बेटा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा ये हमें दिया था, तो आप कंपोनेंट लेते तो वहां पे एफ मिलता, उसका कंपोनेंट आपको 60 डिग्री से, लेकिन फिर से रिजल्टेंट निकालते टाइम उसका एक्सीलरेशन सेम नहीं होता, इसलिए आपको फोर्सेस के टर्म में डेटा दिया है तो फोर्स को कंसीडर करके मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। यस ठीक है। चलो नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर कोई भी एक बॉडी है और उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 8 न्यूटन, और एक फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है और ये बोला गया है आपको मालूम नहीं है, तो इसको मैं आर बोलता हूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम नहीं है, एंड इनके बिटवीन का एंगल भी हमें दिया नहीं है, एंड एंगल है थीटा। और आपको बोला गया है कि ऐसे तीन फोर्सेस जब भी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं तब बॉडी क्या कर रही है, अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस केस में व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले क्वेश्चन को देखो समझो, हमें पहली स्टेप में कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट मींस एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलेंट, वेरी गुड। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स भी जीरो हो गया, इसका मतलब ये तीनों जो फोर्सेस यहाँ पे दिख रहे हमें, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट मस्ट बी जीरो। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वही हमारी बेसिक प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये आर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्ट नहीं हो रहा है तो हमें उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं अगर कंपोनेंट्स लूंगा तो इस तरह से कंडीशन बनेगी, ये 8 न्यूटन एंड ये 10 न्यूटन तो पहले से थे, इनके कंपोनेंट्स आएंगे इधर, अगर ये एंगल को मैं अल्फा कंसिडर करूंगा थोड़ी देर के लिए, तो इधर कंपोनेंट आएगा आर कॉस अल्फा एंड इधर का कंपोनेंट आएगा आर साइन अल्फा, सेम इसी डायग्राम का सिंप्लीफिकेशन रिजॉल्व करके बनाया है, ये क्लियर है सबको? यस सर। कंपोनेंट कॉस वाला, दूसरा साइन वाला, वही अप्लाई किया, क्लियर? अब इसके इक्वेशन बनाते हैं, डायग्राम से अगर देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि आर कॉस अल्फा इज बैलेंस्ड बाय 10 न्यूटन है एंड आर साइन अल्फा इज बैलेंस्ड बाय 8 न्यूटन, तो इनको अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा,
ऐसे होगा क्या? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64. इन दोनों में से अगर r स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो 1 है, यानी ये बनेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू 164, यानी r इक्वल्स टू कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली बोलो, एग्जैक्टली 169 है क्या रूट स्क्वायर किसी का? 12.8, 12.9. ठीक है, चलो दोनों में से एक कोई भी लेंगे तो भी वो करेक्ट है, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया 12.8. क्लियर? यस सर. थीटा चाहिए, आंसर पूरा नहीं हुआ, थीटा भी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं थीटा के लिए? सबसे पहले ये अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मैं इनको अगर डिवाइड करूंगा, इनका डिविजन आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/10. यहाँ पे आर आर कैंसिल होके ये बन जाएगा टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 4/5, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 4/5. क्लियर? क्लियर? यस नो? यस सर. अब ये अल्फा मतलब पूरा एंगल नहीं है, पूरा एंगल मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा कितना होगा बोल सकते यहां से? कितना होगा थीटा? देखो ये पाई बाई टू है कि नहीं? 90 प्लस अल्फा. यस सर. पाई बाई टू प्लस अल्फा. एक्सेलेंट, वेरी गुड. तो फाइनल आंसर बनेगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ 4/5. फिनिश्ड. क्लियर? यस सर. चलो और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको बॉडी दी है और उस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और वो फोर्सेस इस तरह से बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है. एक पहला फोर्स 40 न्यूटन, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है 60 न्यूटन, तीसरा फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है 80 न्यूटन. ऐसे तीन फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, और बोला है कि ये फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ये एक्ट होता है टूवर्ड्स ईस्ट, ये एक्ट होता है टूवर्ड्स साउथ, एंड ये एक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में. ऐसे तीन फोर्सेस जब बॉडी के ऊपर एक्ट होंगे जिसका मास आपको दिया है एज 5 kg, तो उस केस में व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? देखो कभी भी अगर एक्सेलरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हमें हर बार वहां पे एक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है. विच वन? कि जो फोर्सेस यहां पे एक्ट हो रहे हैं उनका हमें निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट. तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये कहां पे एक्ट हो रहे हैं उनको डायग्राम में 80 न्यूटन का कंपोनेंट. तो मैं ये बॉडी लेता हूं, इसमें 40 न्यूटन ईस्ट में एक्ट हो रहा है, तो मैं कंसिडर करता हूं कि ईस्ट यहां पे है, ये 40 न्यूटन हो गया. देन दूसरा फोर्स 60 न्यूटन साउथ में है, तो ये 60 न्यूटन साउथ मतलब यहां पे आ गया. एंड तीसरा फोर्स 80 न्यूटन जो नॉर्थ ईस्ट बोला है 80 न्यूटन, यानी ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, ये बोला था मैंने नॉर्थ ईस्ट मतलब 45, ये बनेगा 45 degree. क्लियर? हां सर. तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहली स्टेप में, ये जो 80 न्यूटन वाला फोर्स है इसके लेने पड़ेंगे फिर से कंपोनेंट. गुड. तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, वो बनेगा 80 कॉस ऑफ 45. अब बोलो कॉस 45 कितना होता है? 1/√2. तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 40√2? यस सर. हां सर. यस. जिनको नहीं समझा उनके लिए मैंने बस क्या किया, 80 को लिख दिया 40 × 2/√2 था, 40 × 2 को लिखा, √2 × √2 था, √2 कैंसिल होके ये 4√2 बच गया, 40√2 बच गया. ठीक है, तो ये आ गया 40√2. क्लियर? यस. ठीक है, तो अब ये 40√2 आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस है वो कौन कौन है, एक 40 है, दूसरा 40√2 तो इनके एडिशन कर सकते क्या? नहीं सर. कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? पहले वो रूट टू निकाल दो. हाँ तो निकालो ना, वो कौन सी बड़ी बात है,
करो कैलकुलेशन करके आंसर बोलो। चलो पहले रूट टू हो गया 1.4 इंटू 40 मतलब 56.56 है और प्लस 96 ले लूं मैं हाँ सर यस सर तो ये मिल गया फोर्स अलोंग एक्स 96 न्यूटन। अब दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे वर्टिकली जाएगा जो रहेगा 80 sin 45 एंड 80 sin 45 मतलब एंगल सेम है तो फिर से ये कितना आएगा 40 रूट टू ही आएगा। बस y के अलोंग दोनों की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। एंड डायरेक्शन डिफरेंट होने से f के सबट्रैक्शन नेट फोर्स बनेगा 60 - 40√2। इनकी करनी पड़ेगी सबट्रैक्शन। तो 40√2 अभी कैलकुलेट किया था कितना आता है 56.56 यानी ये आ गया 4 न्यूटन बराबर। तो नाउ हियर हमें कंडीशन मिल गई जिसमें बस दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टली जा रहा है 96, दूसरा जा रहा है 4, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना बनेगा 100 है ना? दोनों का रिजल्ट 100 दोनों का स्क्वायर करके 100। वेरी गुड, इनका रिजल्टेंट बनेगा रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 96 का स्क्वायर। कैसे करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, 9 × 6 = 54, 54 का डबल 108, तो ये बनेगा 8 1 2 9 9 2 1 6, ऐसे कुछ तो आएगा ये। एंड इनके एडिशन करके अगर रूट निकालेंगे वो 96 आता है, 96 ही आता है, ठीक है ना? पॉइंट में डिफरेंस होता है लेकिन उसको अपन कंसीडर करते ही नहीं है, ठीक है? तो फोर्स आ गया 96, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालूं अब? एक्सेलरेशन गिवन बाय फोर्स, सर नेट फोर्स और मास दोनों, 96/5 कितना आएगा बोलो? बोलो 19.2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मिल गया हमें यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। तो आपको अगर फोर्सेस किसी भी कंडीशन में दिए जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, बस उनका यूज करके नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। एक बार नेट फोर्स अगर आ गया तो उसको सिंप्लीफाई करना एकदम सिंपल बन जाता है। जैसे कि सिमिलर टाइप का फोर्स को फोर्स आपको और एक दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है आपको कि एक बॉडी है एंड जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, F1 equals to दिया है आपको 2i cap plus j cap minus of k cap। दूसरा फोर्स दिया है F2 equals to minus i cap plus 5j cap plus 2k cap। और ये दोनों एक्ट हो रहे हैं एक बॉडी के ऊपर जिसका मास है 10 kg, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? सेम कंसेप्ट के ऊपर का क्वेश्चन है, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। कर सकते हैं? यस सर। करो फिर। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आई कैप में आई कैप ऐड करना पड़ेगा, तो इनका नेट फोर्स बनेगा प्लस 2 माइनस 1 यानी आई कैप, 5 प्लस 1 यानी 6 जे कैप, 2 माइनस 1 यानी के कैप, ये आ गया नेट फोर्स। तो अगर हमें एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया जा रहा है तो उस केस में मैं ए वेक्टर निकाल सकता हूं एफ नेट वेक्टर अपॉन मास, यानी यहाँ पे 1/10 इन ब्रैकेट ऑफ i cap plus 6 j cap plus k cap। ऐसा क्यों? क्योंकि acceleration क्या है, vector quantity है, लेकिन अगर mass निकालना होगा तो याद रखना है compulsory force का हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, magnitude consider करना पड़ेगा। clear sir? यहाँ पे magnitude नहीं निकालना है, नहीं option में क्या दिया है उसके ऊपर depend करता है। अगर option इस form में दिए vector form में तो हम ऐसे रख सकते हैं क्योंकि acceleration vector quantity, लेकिन mass के बाद mass के related नहीं रख सकती, ये मैं बोल रहा हूँ। clear? yes sir। तो अगर yes. magnitude में मुझे acceleration चाहिए तो पहले मुझे force का magnitude निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं magnitude? root में 1 + 36 + 1 = √38, तो ये कितना बनेगा root 6.16 डिवाइड बाय अगर 10 है तो 10 0.6, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, डिफरेंस क्या है, इट इज इन वेक्टर फॉर्म, इट इज इन ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन किस फॉर्म में दिए उसके अकॉर्डिंग ये डेटा जो है हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यस नो? अगर आपको कहीं पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी है
और वो एक बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा पॉन्ड है, और उसके अंदर एक आइस की शीट मिल गई उसको, है ना, बर्फ का गोला उसके ऊपर बैठ गया, तो वो डूबेगा क्या वाटर के अंदर? नहीं सर, नहीं डूबेगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होती है। क्यों होती है आगे हमें पढ़ना है, मतलब ये आइस के क्यूब के या फिर आइस की शीट के ऊपर ये फ्लोट करेगा, तो उसको अगर एंड तक आना है तो एंड पे वो आने के लिए क्या करेगा, न्यूटन का कौन सा लॉ अप्लाई करेगा? ऐसे अगर आपको पूछा गया तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? एंड तक आना है, एंड तक आना है उसको। वो क्या करेगा, पानी को पीछे ढकेल देगा, तो पानी क्या करेगा उसके एक्शन को, थर्ड लॉ। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे अगर सिंपल सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अभी आप बोट में बैठे हो और बोट स्टील वाटर में, स्टील वाटर मतलब शांत पानी में बोट खड़ी है, उसमें आप खड़े थे और आपने जंप किया आगे, तो आपके जंप करने से बोट का क्या होगा, वहीं पे रहेगी, बैकवर्ड आएगी या पीछे आएगी? बैकवर्ड, बैकवर्ड आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसको फोर्स अप्लाई किया था एक्शन, तो उसका रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? यस सर। अभी सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे दी है और आपको बोला गया है कि एक रेल रोड है इस तरह से, सॉरी रेल ट्रैक है, और उसके ऊपर एक है क्या बोलती है उसको, एक कार है जो ट्रैक को चेक करने के लिए यूज की जाती है, इसके ऊपर ये आदमी यहाँ पे जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि ये जो ट्रैवल कर रहा है इस पर्टिकुलर स्पीड से, लेकिन जाते जाते क्या हो गया, रास्ते में बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू होने से वहां पे क्या हो गया, बारिश का पानी इसके ऊपर आने लगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पानी गिर रहा है, बहुत जोरों की बारिश है, और उसका रेट आपको दिया है एज म्यू किलोग्राम पर सेकंड, और ये जो रेल कार है वो मूव कर रही है विथ वेलोसिटी वी, तो उसको अगर यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रखना है, पहली बात तो ये होगा कि अगर उसके ऊपर रेन ड्रॉप आके गिरने लगेंगे तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? एस नो? यस, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि मास ऐड हो रहा है, मतलब वो थ्रस्ट एग्जर्ट करेगा, एंड वो वेलोसिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो उतनी वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए हमें उतना ही फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस केस में जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा दैट विल बी वी इनटू म्यू। समझा ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, उसके बाद में अभी सेम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं हम टू द रॉकेट। अब यहाँ पे रॉकेट है, रॉकेट के साथ क्या हो रहा है, पहले भी अपन इसको देख चुके हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है, क्या हो रहा है बोलो सर? वो बहुत सारा मास इजेक्ट कर रहा है। वेरी गुड, बहुत सारा मास इजेक्ट कर रहा है, और मास के इजेक्ट होने से क्या हो रहा है? थ्रस्ट अप्लाई, फोर्स यानी थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रॉकेट आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसको जब लिफ्ट अप कर रहे थे अपन, तब इसका टोटल जो मास था वो आपको दिया है एज 4×10⁴ kg, ये पूरा मास था जिसको लिफ्ट अप करना है, और उसको लिफ्ट अप करने के लिए हमने क्या किया, इग्नाइट किया, इग्नाइट के बाद में जो गैसेस है वो बर्स्ट होके बाहर निकल के आ रहे हैं, एंड वो बाहर निकल के आते टाइम जो है एक्सेलरेशन इम्पार्ट कर रहे हैं रॉकेट के ऊपर, जो है 8 m/s². क्लियर? यस। तो उस केस में यहाँ पे जो थ्रस्ट एग्जर्ट किया जाएगा ऑन द रॉकेट वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं सर? ग्रेविटी लेनी होगी, ग्रेविटेशन होगी ना बेटा, ग्राउंड से निकल रहा है ना वो, क्या हवा में है क्या? ये कंडीशन प्रिंट करके नहीं देंगे आपको, ऐसे इनडायरेक्टली देंगे। अगर ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब बोलेंगे कि वो ग्रेविटी के बाहर चला गया, ठीक है ना। कर रहे क्या कैलकुलेशन? देखो उस केस में हमें निकालना है थ्रस्ट, और थ्रस्ट के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, सॉरी एक्सेलरेशन के लिए, अगर पर्टिकुलर कोई भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है रॉकेट का, क्या था फॉर्मूला? बस यहाँ पे अगर मुझे थ्रस्ट निकालना है तो मुझे निकालना क्या है, v into dm by dt, बराबर?
सर। यस तो मैं अगर यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज कर दूंगा तो dm बाई डी टी इंटू वी ये इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, पहले माइनस जी इधर जाके प्लस बनेगा, ये बनेगा ए प्लस जी इंटू यम। अब यहाँ हाँ पे ए कितना है 8, जी कितना है 10, 8 प्लस 10 18, इंटू मीटिंग मास कितना दिया है 4 × 10⁴ kg। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं एज ए थ्रस्ट। तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट कितना बनेगा 7.2 × 10⁵ न्यूटन। क्लियर? यस सर। चलो सेम एग्जांपल है, अभी फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगेन एक रॉकेट है, ये भी सेम एक्शन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, गैसेस से उनको यहाँ पे बर्न करके एक्सप्लोजन में रॉकेट के बाहर फेंक दिया जा रहा है, जिसके ऊपर से रॉकेट क्या करेगा थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा। एंड इस प्रोसेस में आपको बोला गया है कि अगर रॉकेट का जो मास है वो है 1000 kg, जिसको अपन अपलिफ्ट कर रहे हैं, एंड जो फ्यूल यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है या फिर जो बर्न गैसेस फेंक दिए जा रहे हैं उनका रेट आपको दिया है एज 4 kg/s। और जो वेलोसिटी से रॉकेट यहाँ से निकल रहा है वो वेलोसिटी आपको दी है एज 5 × 10⁴ m/s। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कितना होगा। सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन, रॉकेट क्या कर रहा है ग्राउंड से ही निकल रहा है, मतलब ग्रेविटी है वहां पर, वेरी गुड। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो आप डायरेक्टली पहले थ्रस्ट निकाल सकते हैं बाई यूजिंग वी इंटू डीएम बाई डी टी, है ना, वी कितनी दी है 5 × 10⁴, डीएम बाई डी टी दिया है 4, तो 4 × 5 मतलब ये बनेगा 2 × 10⁵, ये फोर्स आ गया, एंड फोर्स के ऊपर से एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें क्या करना है, बस F/m करना है, तो 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय मास कितना है 10³। तो 10³ + 3 ऊपर जाके बनेगी -3, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें मिलेगा 200 m/s². क्लियर? यस ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे रॉकेट से रिलेटेड दिया है और बोला गया है कि ये क्या कर रहा है 200 g ऑफ गैसेस आर इजेक्टेड पर सेकंड। एक रॉकेट से जो गैसेस निकल रहे हैं उसके लिए आपको बोला है कि 200 g इतने गैसेस 1 सेकंड में बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये क्या दिया आपको क्वेश्चन में, डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी वेरी गुड, विथ स्पीड ऑफ 800 m/s, मतलब वी दे दी। तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम वॉज 1200 kg। कर सकते हैं सेम क्वेश्चन ऊपर के जैसा, यस नो सर। करो फिर। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा थ्रस्ट, ये बनेगा वी इंटू डीएम बाय डी टी, तो वी यहाँ पे दिया आपको 800, डीएम बाई डी टी दिया है 200 g अपॉन सेकंड, यानी ये 0.2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 200 g का मतलब क्या होता है 200 / 1000, यानी म्यू दिया है, डीएम बाई डी टी हमें दिया है 0.2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन बनेगा F/m, तो ये बनेगा 100 / 1200, यानी कि सर एक्सेलरेशन 800 × 0.2 है ना, वो 100 कैसे वन होगा, सिक्सटी एंगल सर। 160। 1 मिनट, 160, 160, यस 160 बराबर। तो ये अगर 160 हो गया तो ये बनेगा 160 / 1200, तो कितना आएगा अभी, फोर बाय 30 m/s², यानी 0.13 कितना 2/15 m/s². एंड और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 0.1
3-3 3-3-3 का रिपीटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये रॉकेट प्रोपल्शन रिलेटेड, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका थ्रस्ट, मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकंड, इसमें से कोई भी टर्म अगर कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं तो हमें जो डेटा है एज इट इज उसको अप्लाई करके कैलकुलेट करना है उसको, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट होगा नहीं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे आज के एसबीटी में भी, एंड मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चंस कल के यूनिट टेस्ट में भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस में आपको बोला गया है कि अगर डेंसिटी ऑफ वाटर है 10^3 केजी पर मीटर का क्यूब एंड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, With V is equals to 20 meter per second. Then calculate thrust on pipe. If radius of pipe आपको दी है as 20 centimeter. ठीक है, ये जो condition आप देख रहे हो same condition वहां पे question में दी है। होता क्या है, वहां पे पानी फ्लो हो रहा है। सर एक बार वो डाटा वापस दिखाओ ना, क्वेश्चन। देखो इस तरह से पाइप में से पानी निकल रहा है और आपको वहां पे डेटा दिया है कि रेडियस से वो 20 सेंटीमीटर है, जिस स्पीड से पानी निकल रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। डेंसिटी भी गिवन है, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द पाइप। पहले बोलो ये वाटर जेट का थ्रस्ट का फॉर्मूला होता क्या है? रो एवी स्क्वायर। तो यहाँ पे रो की वैल्यू 10^3 दी है, वी कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कितना है 400, यानी 4 × 10^+2 है। ये तो हो गया, बात बची बस एरिया की। हाउ टू कैलकुलेट एरिया? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो पाई को थोड़ी देर के लिए पाई रहने देते हैं, आर का स्क्वायर करना है। आर है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मीटर में लिखने के लिए 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10^+2 × 10^-4। ये कैलकुलेशन समझ में आता है कि देखो ये स्टेप। है क्लियर? यहाँ पे ये -4 ये +4 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 4 × 4 × पाई, यानी कि 16π × 10^3 न्यूटन, इतना यहाँ पे थ्रस्ट एक्सर्ट होगा, ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन में पाई के टर्म में आंसर नहीं है तो हम पाई की वैल्यू पुट करके जो है आगे का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, आपको अगर बोला है कि इफ 300 बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम द गन, Each of mass 150 gram and fired with velocity 200 meter per second. Then, what will be the thrust exerted by bullets on gun? कर सकते हैं कैलकुलेट? सर V क्या है? V 200। फिर से लिख के देता हूँ, यहाँ पे आपको स्मॉल एन दिया है, दैट विल बी 300 बुलेट्स पर सेकंड, मास दिया है 150 ग्राम यानी 0.9000, वेरी गुड, 15 केजी, एंड वेलोसिटी दी है दैट विल बी 200 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट जो थ्रस्ट एक्सर्ट करती है वो कितना होता है, एफ इक्वल्स टू एमएनवी, तो बस एन इंटू एम इंटू वी कर दो, एन है 300, एम है 0.15 इंटू वी है 200। अब ये दो जीरो डेसिमल शिफ्ट करके ये बनेगा 45 × 200, मतलब ये बनेगा 9000 न्यूटन। क्लियर? यस सर। दिस विल बी द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय बुलेट्स ऑन द गन जब उनको अपन फायर कर रहे हैं, ठीक है। चलो सिमिलर टाइप को आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को अपन खींच रहे हैं,
और खींचते टाइम हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है 40 न्यूटन, दूसरा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है विच इज 200 न्यूटन, एक्ट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इन दैट केस अगर ब्लॉक का मास 20 kg है तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना होगा, सबसे पहले सर वो 200 के कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन होगा, यानी 100 न्यूटन। अब बचेगा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 200 sin 60, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट को इधर का जो mg है वो बैलेंस कर रहा है, मतलब उसके डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्सेस अगर कंसीडर करने हैं हमें, तो नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, 100 प्लस सर 5 मीटर 140 न्यूटन, पर। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन बनेगा एफ बाई एम, सो इट विल बी 140 डिवाइडेड बाय 20, सो एक्सेलरेशन कितना बना, 7 7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको बोला गया है कि एक कार है इनिशियली ट्रेवल कर रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और उसको ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 10 सेकंड में रेस्ट में लाया गया, रेस्ट में लाया गया मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। स्टेटमेंट क्या है देखो क्वेश्चन का, इफ ए कार इनिशियली ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट विल कम टू रेस्ट इन द टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, देन इफ मास ऑफ दैट कार इज 800 kg, तो कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द कार, और फोर्स एग्जर्टेड टू स्टॉप द कार, कार को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स एग्जर्ट किया होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। 1600 न्यूटन। 1600, वेरी गुड। 1600। यस क्या करेंगे, पहले तीन जो डेटा है उसका यूज करके वी इक्वल टू यू प्लस एटी से निकालेंगे एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन बनेगा यू अपॉन टी, यू कितनी है 20, एक्सेलरेशन कितना है सॉरी टाइम कितना है 10, एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, एंड फोर्स कैलकुलेट करना है तो वहां पे फोर्स बनेगा एम इंटू ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, सो इट विल बी 1600 न्यूटन। है क्लियर, यस सर। तो आज जो है आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे किसी भी न्यू कंसेप्ट का डिस्कशन शुरू नहीं किया है, वही कंसेप्ट जो मंडे से अपन डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड कंसेप्ट एप्लीकेशन के जितने सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए है, लेकिन सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए, उसके टाइप के डिस्कस किए। तो आप अगर कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व करने जाएंगे यू विल फाइंड दैट कि हर एक क्वेश्चन सिमिलर है जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, बस डेटा डिफरेंट है। यानी कि आपको आइडिया आ जाएगा कि एक क्वेश्चन समझने के बाद उसके टाइप का अनदर क्वेश्चन अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, थीके? तो आज का आपका पहला होमवर्क होगा, जितने एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किए आज और कल उनको फिर से सॉल्व करेंगे। ये होने के बाद जो भी सॉल्व एग्जाम्पल हो चुके हैं 17, उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है कुछ तो 30, 33, ये सारे एग्जाम्पल यानी 50 एग्जाम्पल फ्रॉम द मॉड्यूल एंड मोर देन 50 एग्जाम्पल जो हमने क्लास में सॉल्व किए हैं, ये 100 एग्जाम्पल आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कल के एसबीटी में आने वाले हैं। क्लियर, थ्योरी तो हो गई प्रिपेयर, 3 दिन से रिवाइज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रिमेनिंग पार्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडेज लेक्चर, आई थिंक टुमारो संडे इज देयर सो नो लेक्चर विल बी देयर, यूनिट टेस्ट होगी, यूनिट टेस्ट का टाइम अगेन सेम होगा फ्रॉम 4 to 11 PM, 4 से 11 जो है टेस्ट का टाइम।